इसको अभी कटिंग करना पड़ेगा गाइस। तो अभी गाइस देखिए ना कितना प्यारा सा लुक आ रहा है अभी। तो मैंने ऐसा ही रेड कलर का इसीलिए ले लिया कि हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से मेरा आसाम मोटो ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो तो आप लोग ने टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग को मालूम पड़ गया है ना गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस मेरा बाइक का जो ये लीवर गार्ड है ना गाइस। पहले तो आप लोग को एक चीज़ दिखा लेता हूँ, ये है। इसको मैंने ऑनलाइन से ही परचेस किया था। लीवर गार्ड है गाइस, ये बाइक का जो लीवर गार्ड रहता है ना गाइस, इधर रहता है ना, वही है। तो अभी इसको ही मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ मेरा बाइक में। आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा बोल के सोच रहा हूँ। तो ये आप लोग घर में भी आप लोग लगा सकता है गाइस। तो मेरे पास अभी क्या है ना एलंकी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उधर शॉप में जा के ही इसको लगाऊंगा बोल के सोच रहा हूँ। लोग को भी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे लगाता है इसको। तो इसको लगाने का फ़ायदा ये है गाइस कि ये आप लोग देख सकता है ना, ये कैसे स्केच लग गया है। और इधर का भी आप लोग देख सकता है, ये इधर भी देख सकता है, ये ओरिजिनल वाला नहीं है गाइस। इसको मैंने चेंज किया था, ये एक बार गिर गया था बाइक तो इसे बैंड हो गया था, सो इसको मैंने चेंज किया हूँ। तो वही है गाइस, फ़ायदा यही है। इसको लगा देने के बाद कोई भी छोटा मोटा क्रैश आता है तो क्रैश वगैरह होने का चांस नहीं रहता है, वो रहता है। तो इसीलिए इसको मैं आज लगाता हूँ। लोग को भी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा गाइस, देखते जाइए वीडियो। और सीधा शॉप में आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ कैसे लगाता है इसको। और चलते हैं फिर, चलिए वीडियो को इधर से स्टार्ट करते हैं और देखते जाइए पूरा वीडियो। तो गाइस मैं अभी इधर पहुँच चुका हूँ, तो इधर काम चालू हो गया है मेरा। इधर अभी खोल के लगा रहा है एक साइड का, और ये पीछे का आप लोग ये जो देख रहा है ना, इसको पूरा हिल गया है। उस दिन जो मैं गुवाहाटी से लौट रहा था ना, रास्ते में ये ढीला हो गया, सो इसको भी टाइट करना है मेरे को। तो गाइस इसको लगाने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इसको जो इसका नॉट रहता है ना, इसको निकल के आप लोग इधर जो इसके साथ लीवर गार्ड के साथ जो नॉट आता है ना, उसको कच के ठीक से आप लोग का लगा दिया तो काम बन जाता है, बस यही है। और ये क्या है, पूरा चिपक रहा है इधर। अरे हिलीस नहीं, नहीं लानो। सो फाइनली गाइस ये देखिए फिर से खोल के फिर से लगा रहा हूँ, और इसको थोड़ा कटिंग कर दिया है, ये इसके साथ थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या क्या इसको अंदर एक ये जो देख रहा है ना, ये वाशर एक फिटिंग कर दिया है। फिर इसमें ये देखिए पूरा टाइट ले लिया है। तो अभी लुक कुछ ऐसा आ रहा है गाइस, देख लीजिए एक बार। तो गाइस एक साइड का हो गया है पूरा काम, और ये देखिए थोड़ा चिपक रहा है, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा ही चिपक रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी प्यारा सा लुक आ रहा है अभी। तो मैंने ऐसा ही रेड कलर का इसीलिए ले लिया कि मेरा बाइक के कलर के साथ मैच करेगा। सो अभी देखिए गाइस इधर से भी बहुत अच्छा प्यारा सा लुक आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट साइड का जो है ना गाइस, ये इसको भी मैं हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा, इसको जो ये हैंडल ग्रिफ है ना, नहीं तो क्या है ना गाइस इसमें तो अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो इसको भी अभी कटिंग करेंगे हम लोग। तो ये देखिए गाइस इसको नॉट ऐसे खोल के इसको अंदर डाल दिया तो हो जाता है खेल, ज़्यादा काम नहीं रहता है गाइस। ये आप लोग घर में भी लगा सकता है, बात यही है, आप लोग देखते जाइए गाइस। तो काटिब लगे न। तो गाइस इस साइड का भी ये देखिए इसको भी काटना पड़ेगा, अभी ये भी अच्छे से टाइट नहीं ले रहा है, सो इसको अभी कटिंग करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो ढीला होके रखा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना गाइस, किधर में भी ये हिल जाएगा। तो ये कटिंग हो गया है गाइस, तो अभी फिर से इसको लगा रहा है हम लोग। तो लगाने के बाद आप लोग को दिखाएंगे पूरा। तो गाइस थोड़ा सिनेमेटिक लिया है मैंने, तो देख लीजिए एक बार।
आई होप गाइस आप लोग को सिनेमेटिक अच्छा लगा हो, और मेरा पूरा काम हो गया है गाइस, और फिर इधर से अभी चलते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर को। तो आज का वीडियो कैसा लगा है गाइस मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी से आ रहा है गाइस। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और मिलेंगे और एक अच्छा सा एक ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।